ये मेरे दीदी का घर है और ये मेरा भांजा है। बता बता बता, सबको बता बता बता। मैं कौन हूँ? तू है भांजा। 20 के हो गया ना बड़ा भाई? 2-4। दो और एक दो। हाँ और एक दो। चार के ना गाइस, कैसे आप सब? गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। वैसे आप देख सकते हो कि मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। वैसे मैं आज जा रहा हूँ वर्धा, जा रहा हूँ वर्धा से मेरी ट्रेन है, मैं मोटिया को लेके जाने वाला, और मैं वहाँ पे जाके आपको सब कुछ बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ट्रेन से, कहाँ नहीं। वैसे मैं अभी बहुत काफ़ी लेट हो चुका हूँ और मुझे अभी ब्रश भी करना है, स्नान करना है, सनस्का भी जाना है, फिर आप मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ बस स्टॉप पे। तो गाइज, मैं अभी बस स्टॉप पे आ चुका हूँ और मैं मेरे भाई के साथ आया। तो मेरा भाई जो है वो बाइक पे बैठ गया है और हमारी जो बस थी वो 11 बजे की थी, वो छूट गई है और मोटी आई जो है वो अभी तक नहीं आई। तो मोटी आई जैसे आती 12 बजे की और एक बस है, मोटी आई आती है अभी, फिर जाते हैं। फेस वॉश हिमालय का है, नीम वाला। हाँ हिमालय फेस वॉश का फेस वॉश कितने का है? 15। बड़ा वाला नहीं है क्या? बड़ा भी है। कितने? 70 रुपए का। तो इसका काम था मुझे फेस वॉश का, तो ये मिल गया मुझे क्योंकि फेस क्लीन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये लिया। अभी चलता हूँ रेलवे स्टेशन। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ वर्धा के रेलवे स्टेशन में, और आपको एक बात बता दो, जो यहाँ पे नहीं क्या पुराना रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन था जो ये तोड़ दिया पूरा, वहाँ पे बनाया न्यू रेलवे स्टेशन को दिक्कत है। ये जो दिख रहा है ना आपका प्लेटफॉर्म, ये पटरियाँ जो दिख रही है ना आपको, ये पुराने वाले हैं, ये तोड़ के इसको होगी वह आगे बनाया है। देखो स्टेशन जो है काफ़ी अच्छे से इसको बनाया है, काफ़ी डेवलप किया। सो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त आकाश ट्विल। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ कोल्हापुर में, जो कि नागपुर कोल्हापुर एक्सप्रेस है उससे जा रहा हूँ, और अभी 3:15 बजे नागपुर से ट्रेन निकलेंगी, और मैं अभी 4 बज चुके हैं, और हम नागपुर से जो कोल्हापुर का जो डिस्टेंस है वो है 1037 किलोमीटर, और यहाँ से वर्धा से नागपुर का जो डिस्टेंस है वो है 78 किलोमीटर। और हाँ, यहाँ से सेवाग्राम भी नज़दीक ही है जो कि 2 किलोमीटर है। यहाँ से जो सेवाग्राम है वो गांधी जी का, वो तो बाद में बताता मैं, पर वो जो ये वर्धा रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि जंक्शन है, यहाँ की यहाँ से मेन लाइन जाती है नागपुर हावड़ा और मुंबई से, ये मेन लाइन जाती है, और इसका जो स्टेशन कोड है वो है WR है, और यहाँ पे पार्किंग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें है वो अवेलेबल है, और आपको यहाँ पे स्टेशन में खाने के लिए भी स्नैक वगैरह चिप्स वगैरह खाने के लिए हर चीज़ें मिल जाती है स्टेशन में ही, और कपड़े का भी स्टॉल है यहाँ पे, और ये गाड़ी कहाँ से पता नहीं। और अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि 4:15 बजे ट्रेन आती है, अभी 4 बज चुके हैं, चलते हैं। तो ये है मेरी मुटिया की सीट है, और ये जो 3 बटन दिख रहे हैं ये प्लग है, फ़ोन आप यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो, ये लाइट और फैन के लिए है, और यहाँ पे एक आईना दिया गया काफ़ी अच्छा है, यहाँ से चार्जिंग वर्जिंग कर सकते हो, वायर है केबल जो ट्रेन खींच सकते हो इमरजेंसी में, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। और ये यहाँ पे 2 सीट है, तो चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अभी हमारी ट्रेन 10 गाँव से आगे निकली है,
यहाँ पे जो है वो अलमारी जी की है, सामान वगैरह रख सकते हो यहाँ पे, वाटर वगैरह। चलो अंदर दिखा देता हूँ, ये दरवाजा ओपन ही था। यहाँ पे टॉयलेट है जो कि काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है और क्लीनिंग बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा यहाँ से पानी भी जा रहा है, थोड़ा पानी है। और यहाँ पे मतलब फोम वगैरह या साबुन वगैरह आप जो भी रख सकते हो। और ये मौका दिया गया है और यहाँ पे एक आईना है आप देख अपने आप को देखने के लिए। और हाँ, ये लाइट भी दिया गया है, पर ये इसकी बटन कहाँ पे है वो पता नहीं, इसको ऑन कहाँ से करते। और ये कुछ रखने के लिए, वैसे रखने के लिए तो ये है, यहाँ पे आप कपड़ा कुछ भी रख लटका सकते हो, अपनी अपनी बैग है या कपड़ा है कुछ भी। आप अगर यहाँ पे स्नान कर दो तो क्लीनिंग काफ़ी अच्छी है। अभी चलते हैं बाहर, बाहर से कुछ ऐसा है। एकदम मस्त चाय, आपने फर्स्ट टाइम पी रहा ये चाय ट्रेन का। तो गाइस अभी हमने पारबानी जंक्शन को पार किया है। और वैसे मैं सो के था, अभी जब मैं उठा तो देखा कि पारबानी जो जंक्शन है वो पीछे चला गया। तो अभी अगला जो स्टेशन है वो 3 घंटा आगे है, तो वहाँ पे ट्रेन रुकती है। ऐसे देखता हूँ मैं अभी सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है नींद आ रही, मैं आधी नींद में उठा था। देखते वहाँ पे आँख खुली तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी के लिए तो फिर गुड नाइट, मैं आपको कल ही मिलता हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुड़वाड़ी जंक्शन में, जो कि यह ट्रेन का जो 5 मिनट का हॉल्ट है। तो यहाँ पे आपको स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे खाने के लिए कुछ भी, पर यहाँ से काफ़ी दूर है, इधर है और 5 मिनट का हॉल्ट है। और बारसी टाउन से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो है 40 किलोमीटर। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ पंडरपुर में, और मैं यहाँ पे आके आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हुआ क्या, मेरा जो मूड है ना वो टोटली ऑफ हो चुका है, बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, वो पुलिस वाले अंकल आया, मैं ब्लॉग बना रहा था, वो आए फिर देखे और मेरा जो वीडियो है डिलीट कर दिया, जो मेरी मेहनत थी। मैंने यहाँ पे 3-4 वीडियो बनाए, अच्छा हुआ कि उन्होंने बाकी के वीडियो डिलीट नहीं किया, पर यही के वीडियो जो है वो डिलीट किया है। बोंगा बज रहा है, यही के वो जो वीडियो वो डिले किया है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे जो वो टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 2 ट्रैक है,
और इसको जो ओपन किया पंडरपुर को, ओपनिंग डेट जो है वो है 1886 में इसको ओपन किया था, और इसको जो ईयर्स हुए वो हुए है 136 ईयर्स हो गए इसको, मतलब कंप्लीट हो गए। और इसका जो स्टेशन कोड है वो है PVR है। और अभी हमारी ट्रेन निकल रही है, देख सकते हो आप। तो भाई मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था वो वाला स्टेशन में, क्योंकि यहाँ पे पूरी ट्रेन जो है खाली हो जाती है, और मैंने 3-4 वीडियो बनाया, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट भी थोड़ा बहुत। तो एक अच्छी बात है अंकल की, पुलिस वाले अंकल ने यही स्टेशन के वीडियो जो है वो डिलीट किया, बाकी के नहीं किया, उनको दिखा नहीं होगा शायद। तो बस अभी आगे चलते हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पे पंडरपुर में एक नदी बहुत फेमस है जो कि चंद्रप्रयाग ऐसा कुछ तो भी नाम है। आप मुझे अगर पंडरपुर वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को कमेंट में बताना कि चंद्रगया नाम है नदी का या पंडरपुर नदी ये भी बोलते हैं उसको। तो ये जो बिस्किट है हमने स्टेशन से लिया है, क्रीम बिस्किट है, तो अभी इसको खाते हैं। गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूँ मीरठ जंक्शन में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, तो 2 मिनट में आपसे बातें करता हूँ। तो ये पंडरपुर से जो करना है मीरठ का जो डिस्टेंस है वो है ट्रेन से 136 किलोमीटर्स है, और बाय रोड जाते हो तो रोड से वो कम गिरता है, 128 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, और स्टेशन कोड जो है वो है MRJ। और आपको यहाँ पे कूली वगैरह मिल जाते हैं, जो कि सामान वगैरह उठाना हो तो यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी स्टॉल वगैरह है, बहुत बड़ा जंक्शन है, सबको कुछ भी मिल जाता है। और यहाँ पे ट्रेन वगैरह भी, इंजन वगैरह भी बनता है। और ये बात करता हूँ, इसको ओपन किया था ये रेलवे स्टेशन को, तो 1886 में इसको ओपन किया था, मतलब स्टार्ट हुआ था ये रेलवे स्टेशन। और इसका ईयर्स हो गए वो है 136 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि पंडरपुर का जो रेलवे स्टेशन है ना वो भी यही साल में ओपन हुआ था। बीस के हो गया ना बड़ा, वो सिग्नल मिल चुका है, अभी हमारी ट्रेन चल पड़ती है। तो गाइस अभी कोल्हापुर जंक्शन आ रहा है, और हमने जो मीरठ से जो कोल्हापुर का जो डिस्टेंस है वो है 47 किलोमीटर, और अब तक हमने नागपुर से लेकर कोल्हापुर तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 1037 किलोमीटर। और कोल्हापुर का जो स्टेशन कोड है वो है KOP, और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। गाइस ये ट्रेन उल्टी जा रही है, देखो
सो गाइस अभी मैं आया हूँ कोल्हापुर में, जो कि कोल्हापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, कस्बा बीड। ये मेरे दीदी का घर है और ये मेरा भांजा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ ये भी मुझे सजेस्ट करना। और यहाँ पे जो है सुबह से बारिश हो रही है, आप देख सकते हो, है ना रे पिल्लू। ये पिल्लू है, छोटा सा पिल्लू। पिल्लू इधर आ, बता 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 सबको, बता 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 मैं कौन हूँ। तू है भांजा। तो गाइस बाय 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 बाय।